के सीएम अब अपने विवादित बयान पर माफी मांग रहे हैं। किस तरीके से विधानसभा बिहार में हंगामा हो रहा था आप देख रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरह की अमर्यादित और विवादित भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया है वो दरअसल बेहद निंदनीय है। अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन शब्द तीर की तरह होते हैं अर्पिता, निकल गए हैं और अब ये बात दूर तक पहुंच भी चुकी है। कई ऐसी महिला विधायक हैं जिन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इसके अलावा विपक्ष के भी कई नेता हैं जो खुलकर इस बयान के विरोध में सामने आए हैं। और नेहा, जिसने भी बयान सुना है वो ये भरोसा नहीं कर पा रहा कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और वो भी सदन के अंदर, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस जगह पर जाकर ऐसे बयान देना और उसके बाद उसको डिफेंड भी कर रहे थे तेजस्वी यादव, ये भी नहीं भूलना चाहिए, उससे एजुकेशन बता रहे थे। और आज नीतीश को शायद समझ आया कि उन्होंने क्या बयान दिया और उसके बाद उनको अपने ही बयान पर शर्म आ रही है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहां पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि छह साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई।